कर। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम चेयरमैन साहब। जी सर जी। और राय के आशिक। हाँ जी सर जी। ये गिलास पकड़ो। जी जी बिस्मिल्लाह सर जी बिस्मिल्लाह। और ये पेड़ों वाली लस्सी वाला गिलास है, ये किसको दे रहा है? ये मेरे चेयरमैन साहब को। बिस्मिल्लाह सर जी बिस्मिल्लाह। चेयरमैन साहब अस्सलामुअलैकुम। देख भी रहा है चेयरमैन साहब आए हैं, किसको देना है? और मुझे पता नहीं था कि आप आए हुए हैं चेयरमैन साहब। पकड़ो है। वागो का पहलवान खालस खोए के पेड़े हैं भाई, कमाल है। वाह। और ये लो, ये बाकी के खिलाफ चेयरमैन साहब के घर दे के आओ। अच्छा जी। ये मेरी भाभी के लिए है और भतीजों के लिए। चलो। और यार ये मुझे ही पिला दे, भाभी तेरी कौन सा फुटबॉल खेल के आई है? और तुम्हारे लिए मैं जो हाजिर हूँ यार, जितनी मर्जी लस्सी पियो। ये लो रड़ेका लगा रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए। लो जी गोगा पहलवान, मैंने प्यारे खान और कुबे को बुलवाया था और अपने वकील के साथ भेजा था, और वो एडिशनल सेशन जज के आगे जाकर अपनी सुलह के बयान दे आए हैं। जी चेयरमैन साहब, मुझे कल वकील साहब ने बताया था कि तुम्हारे पुत्र जाने जिगर की जमानत हो जाएगी, तो इसी खुशी में तो मैं आपको पेड़ों वाली लस्सी पिला रहा हूँ। गोगा पहलवान, चेयरमैन मोची गेट ने भी एक फैसला किया है। क्या? वो क्यों ना अपना ये जाने जिगड़ और चांद अली की सुलह की जफ्फी डलवाए, लोगों को यहाँ पे बुलवाए और एक जश्न मनाए, और ये सारा जश्न मेरी तरफ से होगा, ताकि मोची गेट और गिरदे नवा के लोगों को पता चले कि चौधरी सलीम दीवा लोग कहते हैं कि भी इतना बड़ा मारका मारा है दोनों पड़ाओं की सुलह करा। ओ बिल्कुल ठीक कहा है आपने चेयरमैन साहब। इस खुशी के जश्न में खाने पीने का सारा इंतजाम गोगा पहलवान ऑफ मोची गेट की तरफ से होगा। आप अपने तमाम दोस्तों को सद्दा दे दें मेरी तरफ से। यार इतना ही बंदोबस्त हो रहा है गोगे, तो फिर क्या मैं भी ना दो बोल पढ़वा लूं साथ? लो आज तक रब रखा, जीउंदे वास्ते रहो, रब रखा। ओ मैड़, ठीक ठाक है? अती राणियों ठीक हो?